अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान। हम करवाएंगे आज आपकी मुलाकात ऐसी फेमस पर्सनैलिटी से जिनके बारे में जानना चाहते हैं आप। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, एक बड़ा नाम, किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आप समझ तो गए होंगे किनकी बात हो रही है। जी हाँ, अकील करीम डेडी साहब की बात हो रही है, जो किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। और आज हम उनके ऑफिस आ गए हैं उनका इंटरव्यू लेने, करेंगे उनसे कुछ दिलचस्प बातें और जानेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आजकल उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए आइए मिलवाते हैं उनसे और तक करते हैं उनसे कुछ दिलचस्प और मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया अपने एक मसरूफ़ शेड्यूल में से, और वीनस के मेहमान में खुश आमदीद आपको। सर, हमारा एक छोटा सा लाइट मूड प्रोग्राम है जिसमें हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ को साथ लेते हुए फिर आपके प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं। तो सर, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम कराची से। सर, आपको शुरू से बिजनेस माइंडेड थे या स्टूडेंट थे तो कुछ और बनने का शौक था? अच्छा सर, आप जब स्टॉक एक्सचेंज में आए तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो हमसे थोड़ा सा। स्टॉक में तो बच्चे, एक छोटा बच्चा स्टॉक में आता है तो जाहिर बात है वो बच्चों वाली हरकतें ही करता है। जी, वही हरकतें हम कर रहे थे जो आम बच्चा करता है। सर, आप स्टॉक में कब आए, आपने बिजनेस स्टार्ट? मैं इंटर हुआ हूँ, बिजनेस में मैं इंटर हुआ हूँ 72 में, 15 साल होगी उम्र। लेकिन इसके पहले 70 में मैं छोटा सा बिजनेस कर चुका था जिसमें मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था जी, और वही मेरी लर्निंग बना था। और उसके बाद स्टॉक में काफी लंबे अरसे तक काम करता रहा जी। और मेंबरशिप कार्ड वाली साहब के नाम पे था, उसी को कन्वर्ट करके एक सिक्योरिटीज पे कन्वर्ट हुआ जी। अच्छा, तो रियल एस्टेट में काम करता था, हाउसिंग में काम करता था, टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है, ब्रोकरेज बिजनेस भी था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, तो ये सारे बिजनेस हमने किए। किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो सफर कैसा रहा आपका? स्टॉक एक्सचेंज में मैंने जो अपने तौर पे जो काम किया है ना, पहले स्टॉक एक्सचेंज में कमीशन वगैरह बहुत हाई लेवल के होते और वॉल्यूम कम होते थे, तो हमारे जाने से फर्क ये पड़ा कि हमने कमीशन के रेट काफी नीचे किए और वॉल्यूम को बढ़ाया। फिर कराची के बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटीज शुरू करवाई, तो उससे वॉल्यूम बेहतर हो गए, नई लिस्टिंग आनी शुरू हो गई, तो उसमें डेफिनेट थोड़ा बहुत मेरा रोल है। और उसी रोल की वजह से जारी बात है कि पहले मेंबर्स सारे अमीर लोग होते थे, आम आदमी नहीं बन सकता था। सही। तो मैं जिन दिनों में था, मैंने छोटे छोटे जितने एजेंट जिसको कहते हैं या ब्रोकर कह लो, उनको हमने मेंबरशिप कार्ड दिलवाए और वो माशाल्लाह उन्होंने काम भी अच्छा किया, परफॉर्म भी अच्छा किया, एक्टिविटीज भी बढ़ी और मार्केट में नई लिस्टिंग भी आना शुरू होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी, 92 के बाद फॉरेनर्स ने मार्केट का रुख किया, तो वो सारी एक्टिविटीज ने इस मार्केट को पूरा चेंज कर दिया। सर, आपका छोटा मोटा रोल तो नहीं, आपका तो एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से आपको किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो सर, जब हालात खराब होते हैं, शहर के हालात खराब होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। दो लोग होते हैं जो स्टॉक में काम करते हैं, एक होता है स्पेकुलेटर, एक होता है इन्वेस्टर। तो हालात का इन्वेस्टर को इम्पैक्ट नहीं आता, स्पेकुलेटर को आता है क्योंकि उसको फॉर द टाइमिंग मार्केट में पोजीशन लेनी होती है और फिर स्क्वेयर करनी होती है। ठीक है। तो बैड न्यूज पे वो शायद स्क्वेयर उसका हो नहीं पाता और उसको लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो हम हमेशा लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप स्पेकुलेटर ना बने, आप इन्वेस्टर बने, अपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट करें, उससे आपको फायदा होगा फॉर द टाइम बीइंग। बैड न्यूज भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप होल्ड करके बैठ जाए। तो एडवाइस यही है कि स्पेकुलेटर दूर रहे मार्केट से। सही। अच्छा, नए आने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए आप क्या एक मशवरा देंगे या कोई एक मैसेज ऐसा कि वो किस तरीके से इन्वेस्टर के लिए? मैंने कहा ना कि ये इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता कि आपके पास जितने पैसे है उतने इन्वेस्ट करें, 7-8-10%, 20%, 25% मार्केट गिर सकती है, ठीक है, लेकिन रिकवरी भी आ जाती है। तो आप स्पेकुलेटर हैं और आप लूज कर जाएंगे तो रिकवरी फिर आपको चांस नहीं मिलता। तो आपके लिए बेहतर है कि इक्विटी मार्केट को अच्छी तरह देखभाल के काम करें, उसकी बैलेंस शीट देखें, उसकी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देखें, और अगर अच्छी वैल्यूएशन है तो डेफिनेट आप इन्वेस्ट करें, और अगर आपको नींद समझ आ रही है और उसमें वैल्यूएशन नहीं है तो आप दूर रहें। ठीक है।
अच्छा सर, माशाल्लाह इतने सारे आपके बिजनेस हैं, उसके साथ आप स्टॉक एक्सचेंज में भी माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं, तो सारी चीजों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैनेज हो जाते हैं, आदत बन जाती है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना इंटरेस्ट होता है तो मैनेज करना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, जब आप माशाल्लाह इतनी मशहूर शख्सियत भी हैं और फिर इतने ज्यादा बिजी भी रहते हैं, तो फैमिली को थोड़ा सा आपसे कभी शिकायत होती है कि आप इनको टाइम दे पाते हैं? वो टाइम निकल आता है, वो कोई वो नहीं है। जब टीम बनती है तो टीम में लोग भी होते हैं और हर चीज हमने अपने हाथ से तो नहीं करनी होती है, टीम करती है काम। हाँ जी, बिल्कुल, टीम वर्क होता है, कोई ऐसी बात। अच्छा सर, मुल्क के हालात को देखते हुए कोविड के बाद इतने हालात खराब हुए, तो आप मईशत को कहाँ देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की मईशत जाहिर बात है कि कर्जों में डूबी हुई जरूर है, लेकिन चल तो अच्छी रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, रेवेन्यू टारगेट भी अचीव कर रही है और बढ़ के आ रहा है रेवेन्यू, एक्टिविटीज बिजनेस डल नहीं है, वो भी हो रही है। कुछ चीजें हैं, सियासी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में जो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और हमेशा इसकी प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए सियासतदानों को एक साथ बैठने की जरूरत है, जो कि वो कम बैठते हैं, गालियां ज्यादा देते हैं, अच्छी बातें कम करते हैं। वैसे आप टीवी को छोड़ के, पार्लियामेंट को छोड़ के, जब भी आप मिलो एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में लड़ रहे होते हैं, टीवी पे लड़ रहे होते हैं, इख्तलाफात होते हैं। मसला ये है कि उनको चाहिए कि जिस तरह आप पार्लियामेंट के बाहर बैठते हैं, उसी तरह बैठे भाई पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल। और आज वही अपना मसला है ना कि वफादार बनने की कोशिश होती है, तो वो चीजें मुनासिब नहीं है। जो गलत है गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। सर, आपका कभी दिल चाहा कि सियासत में आए? कभी, नेवर एवर, नो। अच्छा, कभी किसी पार्टी से ऑफर तो हुई होगी कि आप सियासत में आए, इतनी फेमस पर्सनालिटी? हमने डिसाइड करना है ना, किसी ऑफर करे उससे क्या फर्क पड़ता। अच्छा, ये भी सही है। तो सर, आप शुरू से जो है वो बिजनेस माइंडेड थे, बिजनेस में आना चाहते थे, या कभी जब स्टूडेंट थे तो आप कुछ और बनना चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं? दादा ने बिजनेस किया, मेरे वालिद साहब ने बिजनेस किया, मैं भी उनके साथ ही इस फील्ड में आया हूँ, कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, बचपन से देखा भी यही था और कर भी वही रहे। अच्छा सर, कहते हैं कि अगर बड़े इदारे जो है बाकी रिसर्च पर और टिप्स पे चलते हैं, तो फिर जो ये स्टॉक में क्रैश क्यों आता है स्टॉक की मार्केट में? स्टॉक एक्सचेंज में मैंने कहा ना कि स्पेकुलेटर दूर रहे, स्पेकुलेटर के लिए मार्केट नुकसान पहुंचाती है। आप इन्वेस्टर बन के मार्केट में आएंगे, फॉर द टाइमिंग मार्केट गिर सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है। तो इन्वेस्टर की ये मार्केट है, स्पेकुलेटर की नहीं है। ठीक है, लेकिन सर जब मार्केट गिरती है तो ब्रोकर को इतना नुकसान नहीं होता जितना आम पब्लिक को होता है, इसकी क्या वजह? नुकसान ब्रोकर भी करता है, और अगर ब्रोकर स्पेकुलेटर है तो नुकसान उसको भी होता है। अगर ब्रोकर स्पेकुलेटर नहीं है और क्लाइंट स्पेकुलेशन में काम कर रहा होता है तो उसको नुकसान होता है। तो मैंने कहा ना, उससे आपको दूर रहने की जरूरत। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आपका ताल्लुक माशाल्लाह का मेमन कम्युनिटी से है, तो आपने अब तक मेमन कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम किए, वो थोड़ा सा? देखिए, वेलफेयर के जितने मैक्सिमम कोशिश होती है कि इस मुल्क में गुर्बत बहुत है, चाहे वो मेमन कम्युनिटी हो, चाहे वो पाकिस्तान की दूसरी कोई कम्युनिटी हो, और वेलफेयर की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। और हम तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वेलफेयर के काम को आगे से आगे बढ़ाए, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना अपना हिस्सा है हम डाल दें, और बाकियों से भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और इसकी जरूरत है पाकिस्तान। इस आपके और आगे क्या प्लान है? अभी तो प्लान बिजनेस कर रहे हैं, काम चल रहा है, वेलफेयर के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाबी से जारी सारी रखे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। कोरोना ने इफेक्ट किया है, लेकिन ये जो लहर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है नस्बतन उसके, और इसके जो है ना इसमें सीरियसनेस ज्यादा नहीं होती है। बंदा कोविड में आता जरूर है, लेकिन 4-5-6 दिन में ठीक भी हो जाता है। और इस लहर में कोई हमने बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट नहीं देखे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। एहतियात करना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन की जरूरत है, हर आदमी को चाहिए वैक्सीन लगवा ले, और शायद वो लहर जो अगर जो सॉफ्ट थोड़ी सी कमजोर है तो उसकी वजह भी यही होगी कि लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही। अच्छा सर, कोविड के बाद इतने हालात जो खराब हुए हैं, उसके बाद ऐसे मुल्क के हालात के बाद आप क्या बिजनेसमैन का और बिजनेस का क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं है, अभी भी माशाल्लाह बेहतर काम हो रहा है। तो कोई कोविड में भी हमारे मुल्क ने परफॉर्म किया, दुनिया की तरह हमारे मुल्क ने उतनी मार नहीं खाई जितनी दुनिया के मुल्कों ने मार खाई है, पाकिस्तान स्लाइटली दूसरे मुल्कों से बेहतर परफॉर्म किया।
लेकिन सर फिर भी लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि इतने जो है वो मईशत को बहुत मईशत को नुकसान, हाँ, इस तरह नुकसान कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई, तो महंगाई हुई है, इंटरनेशनल कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है जी। और वो लोगों को इफेक्ट कर रही है और दुनिया को ज्यादा इफेक्ट किया है, उन्होंने पाकिस्तान को कम इफेक्ट किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ निस्बतन दूसरों से हम स्लाइटली बेहतर है। ठीक है, अच्छा सर ये महंगाई जो इतनी बढ़ गई है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उसका क्या सलूशन है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ये एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट के, हेल्थ कार्ड भी दे रही है और शायद वो जो चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और उन्होंने लोन की भी फैसिलिटीज दी है, लो हाउसिंग पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये सारे काम गवर्नमेंट कर रही है। डेफिनेट महंगाई उससे भी कहीं ज्यादा है और उसकी जरूरत, जितना गवर्नमेंट काम कर रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ उसकी जरूरत और भी है। जी अच्छा सर, सर थोड़ा सा एक कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से? सर मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि मुल्क में अच्छी अच्छी बातें करें जी, अब किसी को बुरा कहना छोड़ दें, हम अपने गरीबान को जाके जी, अगर हम ठीक है तो ये मुल्क ठीक है, और लोगों को एहतियात करनी चाहिए, गुर्बत बढ़ रही है, लोगों को आम आदमी की मदद करने की जरूरत है, हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है के लोगों के साथ खड़े रहे ताकि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो, गुर्बत थोड़ी कम हो, लोग बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ाएं, लोगों को रोजगार दें, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अलावा हमारी भी जिम्मेदारी में आती है। अच्छा सर इस जो है वो हुकूमत में बिजनेसमैन कितना सेटिस्फाई है? देखिए बिजनेसमैन तो हमेशा सेटिस्फाई होता है, और जो ये बात कहते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उनकी बैलेंस शीट चेक कर लें, वो खुद बताती है कि वो पैसे बना रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए बातें करते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान में पिछले 20 साल से मैंने नहीं देखा कि किसी बिजनेसमैन ने नुकसान किया हो। जी बिल्कुल सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा यादगार बन गया हो? 15 साल होगी उम्र, लेकिन इसके पहले 70 में मैं एक छोटा सा बिजनेस कर चुका था जिसमें मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था जी, और वही मेरी लर्निंग बना था, और उसके बाद स्टॉक में काफी लंबे अरसे तक काम करता रहा और मेंबरशिप कार्ड वाली साहब के नाम पे था, उसी को कन्वर्ट करके एक ही सिक्योरिटीज पे कन्वर्ट हुआ जी। अच्छा, तो रियल एस्टेट में काम करता था, हाउसिंग में काम करता था, टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है, ब्रोकरेज बिजनेस भी था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, तो ये सारे बिजनेस हमने किए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज हमारा इंटरव्यू था अकील करीम डेडी साहब के साथ और उनसे बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिली मईशत के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और नए आने वाले बिजनेसमैन उनको उन्होंने काफ़ी सारी टिप्स दी हैं जो आप हमारे प्रोग्राम में देख सकेंगे। तो नाज़रीन देखते रहिए विनिस के मेहमान महविश चौहान के साथ। नहीं, अभी हमने अपना शो ख़त्म नहीं किया है, अभी तो हम आपसे बोलने वाले हैं कि जनाब हम आएंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो जब तक हम नहीं आते अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए विनस के मेहमान महविश चौहान के साथ।